स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 11 ओके बी हम फोर्स का ही जो कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा था वो फोर्स के कॉन्सेप्ट को ही हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, हम मैं सिर्फ आपको बात कर देता हूँ वो एक्टिविटी के बारे में, आप घर पे करना। लाइक कोई रबर बॉल है, रबर बॉल किसी भी सरफेस पे मूव हो रहा है, पहले सरफेस की बात करेंगे फिर एयर में बात करेंगे। सरफेस पे कोई मूव हो रहा है तो रबर बॉल के आगे आप अपना हाथ मिस हैंड लाओगे तो क्या होगा कि रबर बॉल की जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी धीरे धीरे और फिर कम हो जाएगी। वैसे हम बात कर देते हैं कि अगर एयर पे कोई रबर बॉल ऊपर जा रहा है तो अगर आप बीच में हाथ लाओगे तो आपको हाथ, अभी कभी आपने क्रिकेट में देखा होगा कि अगर कोई बैट्समैन होता है वो फास्ट बैट से प्ले करता है बॉल को, उसके बीच में जब भी कोई फील्डर उसका हाथ लेके आता है तो अगर कैच नहीं होता फिर भी अगर उसकी उंगली से टकराता है ना बॉल, तो उसकी जो स्पीड है मीन्स बैट से जो स्पीड से निकला था वो स्पीड नहीं रहेगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो वही बात है इसी एक्टिविटी में कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स कुछ ना कुछ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये बॉल आगे जा रहा था, तो जब तक उसके बीच में ये हाथ नहीं आता तब तक तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ये हाथ ये बॉल के कांटेक्ट में आ गया तो क्या होगा कि ये हैंड जो है उसका फोर्स लगेगा इस बॉल पे, तो इसका फोर्स लगेगा बॉल पे। अभी बात ऐसी है कि अगर हाथ आप यहाँ पे रख ही रहे हो तो ये इसको टकरा के इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। अगर बॉल ऐसे ही जा रहा है, सीधे सीधा जा रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा हाथ मैंने ऐसे टच किया था उसको, तो जैसे ही ये मेरे हाथ से टच होगा तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मीन्स अगर मैंने ऐसे हाथ रखा है तो ये हाथ को ऐसे यहाँ पे टच होके ये ऐसे मूव हो जाएगा। मीन्स जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या तो जो मूवमेंट है वो मूवमेंट चेंज हो जाएगी या तो उसकी स्पीड जो है वो जीरो हो जाएगी। ऐसी एक बात करते हैं हम एक्स्ट्रा, जो क्रिकेट की बात हो गई, अब बात करते हैं फुटबॉल की। यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशन, आप सिमिलर सिचुएशन भी रिकॉल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल व्हाइल टेकिंग अ पेनल्टी किक इन फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल में क्या होता है अगर लास्ट गोल मूवी देखी होगी आपने, गोल में लास्ट 5-5 पेनल्टी किक मिलती है, तो पेनल्टी किक में क्या होता है कि गोल कीपर से थोड़ा सा दूर बॉल रखा हुआ होता है और 1x1 5 पेनल्टी किक होती है, 1x1 5 अलग अलग एथलीट लेते हैं। तो वही बात है यहाँ पे, यू माइट रिकॉल अ सिमिलर सिचुएशन। फॉर एग्जांपल व्हाइल टेकिंग अ पेनल्टी किक इन अ फुटबॉल द प्लेयर अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल बिफोर बींग हिट द बॉल वॉज एट रेस्ट एंड सो इट्स स्पीड वॉज जीरो। तो पहले क्या था, बॉल ऐसे ही पड़ा हुआ था तो उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मीन्स अभी मूवमेंट नहीं कर रहा, ऐसे ही पड़ा हुआ है तो उसकी स्पीड कैसी होगी, जीरो होगी। द अप्लाई फोर्स मेक अ बॉल मूव टावर्ड द गोल, जैसे पेनल्टी किक लगाई तो पेनल्टी किक जैसे बॉल पे जा रही है तो उस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स लगेगा तो क्या होगा कि बॉल मूवमेंट करेगा और बॉल मूवमेंट करेगा तो गोल कीपर के सामने जाएगा। सपोज द गोल कीपर डाइव्स और अ जम्प अप टू द सेव द गोल, गोल कीपर जो होता है वो बॉल के अगेंस्ट क्या करेगा, जंप करेगा और वो गोल को सेव करने की ट्राई करेगा। बाय हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉल, द फोर्स अप्लाई बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल सेविंग गोल पिंक स्कोर। मीन्स जैसे अगर गोलकीपर अगर उसको रोक सकता है तो उसने क्या किया, उसकी स्पीड जो थी पकड़ के रखा तो जो स्पीड थी वो स्पीड उसकी जीरो हो गई। इफ द गोलकीपर सक्सेस स्टॉपिंग बॉल स्पीड डिक्रीज होगी और फाइनली जीरो हो जाएगी। दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्टेड क्या फोर्स अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट में चेंज स्पीड, मींस पहले स्पीड हाई थी उसके बाद जीरो हो गई। इफ द फोर्स अप्लाई ऑन द स्पीड डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। अगर गोलकीपर रोकने में सक्सेस नहीं हुआ तो क्या होगा कि उसके हाथ लगने के बाद उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज। इफ फोर्स इज आपने देखा होगा जैसे ही कॉर्नर से कोई किक करता है ना तो अपने हेड से कोई गोल कर देता है तो उसमें क्या हो जाता है, जो बॉल थी उसकी डिरेक्शन चेंज, मीन्स डिरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, कभी कभी जीरो भी हो जाएगी। तो यही बात है, जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगता है
किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है या तो उसकी मोशन भी चेंज हो जाती है।